समझौता समाधान योजना के तहत एक वृद्ध बैठक का आयोजन जनपद पंचायत करैरा के सभागार में किया गया। इसमें सभी विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य न्यायालय व दफ्तरों में दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहे मामलों को प्रारंभिक अवस्था में समझौता कर उसका निराकरण करना उद्देश्य था। बैठक के दौरान विचार विमर्श करते हुए द्वितीय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति डीएल सोनिया ने कहा कि यदि आप अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते हैं तो आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित आते हैं, जबकि बहुत से प्रकरण पटवारी व राजस्व निरीक्षक के द्वारा आसानी से हल किए जा सकते हैं। इसी प्रकार कुछ मामले पुलिस विभाग के हैं, जैसे सामान्य लड़ाई झगड़ा या कोई अन्य विवाद के आपसी समझाइश के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। बैठक में प्रथम जिला न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा, करैरा अनुविभागीय अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला, संजय चतुर्वेदी एसडीओपी, जनपद पंचायत सीईओ ब्रह्मेंद्र गुप्ता, एनके पाठक सीईओ, ताराचंद धूलिया सीएमओ, एमके सिंह एसडीओ फॉरेस्ट के साथ तमाम पत्रकार गण उपस्थित थे। महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे लगभग पूरा देहाती क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जितने भी क्रिमिनल केस होंगे आप देखते होंगे मुख्य रूप से 90% परिवार के विवाद आएंगे। भाई ने भाई को मारा, भाई ने बच्चे को मारा, केवल यही विवाद आएंगे। और विवाद का कारण कितना रहेगा, केवल साहब इसने मेरी जमीन दबा रखी है, इसने मेरी जमीन दबा रखी है, बस इसके अलावा कोई कारण नहीं है। तो आप केवल सिविल केस का डिस्पेल नहीं कर रहे, बल्कि भविष्य में होने वाले बड़ी बड़ी गंभीर घटनाओं को आज आप रोक रहे हैं। इसलिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व केवल आरआई पर, पटवारी पर, आप दोनों सब लोगों पर। आप मान के चलना भले तहसीलदार साहब है, एजेंट साहब है, आप कोई असर नहीं करें, जो आरआई का प्रतिवेदन है वो उन्हें भी वही मान करना है, पटवारी का प्रतिवेदन है वही मान करना है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। अगर उन्हें दूसरे पक्ष ने दिखा दिया कि प्रॉपर सीमांकन नहीं है तो दोबारा डायरेक्शन भी देंगे आपको, मौके पर आकर सीमांकन नहीं करना। इसलिए डिस्प्यूट करना है केवल आप ही लोगों। ऑलरेडी एडीजे सर ने इस संबंध में बताया था कि जो अब हमारा समाधान है, इसका जो स्कोप है, जो हम लोग अभी मंगलवार को करते थे सर, हम लोग मंगलवार को ऐसा करते थे कि हम दो चार दिन इस पे वर्कआउट करते थे कि यदि कुछ छोटे मोटी समस्याएं आपत्ति है तो समझा के वापस ले लेते थे, तो जो पक्षकार था वो अकारण कोर्ट आने से बचता था और ऑन द बेसिस ऑफ दैट म्यूचुअल कंसेंट हम उस प्रकरण का निराकरण कर देते थे। और हम लोकल लेवल पर अपने कमिश्नर सर को जोड़ते थे सर, और वो वहाँ पर देख करके समाधान के माध्यम से उस केस का निराकरण कर देते थे। इसमें ज़्यादातर प्रकरण आते थे सर हमारे, जैसे किसी ने म्यूटेशन पे आपत्ति लगा दी, बंटवारे फर्द पे आपत्ति लगा दी, या रास्ता रोक दिया सर, और या 250 के कभी कभी छोटे मोटे कब्जेधारी थे। लेकिन अब सर ही बताएंगे, लेकिन बस छोटा छोटा सा ये सारे रेवन्यू के ही हैं सर, आज सचिव लोग स्ट्राइक में हैं तो दे आर नॉट प्रेजेंट हियर। तो इसमें ये स्थिति थी कि अब माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें फॉरेस्ट के छोटे छोटे प्रकरणों को, हमारे MPP के जो प्रकरण हैं उनको समाधान के आधार पर लेने को, और हमारे पंचायत और राजस्व के, तो ही राजस्व के इस जिले में 23,000 प्रकरण हैं जो कि हमारे विभिन्न न्यायालयों में नायब तहसीलदार, तहसीलदार और SDO के कार्यालय में दर्ज हैं। तो और इसके बाद सर ही हमें मार्गदर्शित कर सकेंगे कि हम किस प्रकार। अच्छा, इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार किया कि जो समझौता के माध्यम से कार्य करेंगे तो उसमें तेजी आएगी, पक्षकार को अनावश्यक कोर्ट आना नहीं पड़ेगा, और तीसरी बात मैंडेट्स बचेंगे। तो चूंकि मैं इतना बेहतर तरीके से नहीं जानता, तो हमारे साथ हैं मार्गदर्शन करने के लिए हमारे एडीजे करैरा सर, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो हम लोगों को मार्गदर्शित करें और आशीर्वाद करें सर। समाधान न्याय योजना चलाई जा रही है उसको क्रियान्वयन करने के लिए हमने वर्कआउट किया है। वर्कआउट करके हमने ये निश्चित किया है कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। ये मामले जो गर्भू प्रकृति के हैं और जिनमें राजीनामा हो सकता है। अब राजीनामा की आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता इसलिए होती है कि लोगों के विवाद का समाधान ये स्वयं कर लो,
विवाद स्वयं समाधान कर लेंगे तो स्थिति होगी कि वो विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, उनके मन में जो विवाद है या मेल है वो खत्म हो जाएगा, उनको समय और पैसे की बचत। ये स्वयं के मामले में राजीनामा करने के लाभ। अब ये जो योजना चालू हुई है समाधान, वो ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में मीन्स प्री लिटिगेशन, यानी उनका विवाद है लेकिन उनका समाधान नहीं। यह स्थिति सीपीसी में संशोधन के द्वारा लागू की गई है और उसका उपयोग करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुनिएगा सभी आवाज आ रही है, उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्णय और उनके पालन में हमको काम करना। ये किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी नहीं है, सभी अधिकारियों की ड्यूटी। अब हमको अपने क्षेत्र में क्या करना है, ये मेरी चीज़। जैसा कि आपको कलेक्टर साहब एसडीएम साहब ने बताया कि 33,800 कुछ मामले रेवेन्यू के, वो कौन कौन से मामले हो सकते हैं? एक तो नामांकन के हो सकते हैं, दूसरा सीमांकन के हो सकते हैं, बंटवारे के हो सकते हैं, रास्ते के विवाद के हो सकते हैं और एक छोटे प्रकृति के लिए पक्ष। अब उनको हम कैसे निपटाएं, कैसे ऊपर निपटाएं? तो सभी जानते हैं कि हमारे रेवेन्यू विभाग में एक तो गाँव से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, पटवारी। इसके अलावा हमने सभी गांव में 2 या 3 को मिला के सचिव की नियुक्ति की है, वह भी एक तरह से हमारा ही कर्मचारी है। उसके ऊपर पंचायत सुप्रिंटेंडेंट भी रहते हैं जो भी मामले के समाधान में सुरु प्रदान करते हैं, और इसके अलावा टाइम तहसीलदार और सी ओ धन अपने अपने क्षेत्र में हमको करना है कि जहाँ पहले विवाद को छाड़ना है कि विवाद बड़ा है या छोटा है, और ये न्यायालय में नहीं आया, सबको जानकारी रहती है। हम उस दिन गए थे तो वहाँ पर पटवारी को जानकारी थी कि ये विवाद है, उसको हमने कोशिश करी निपटा नहीं, संभवतः वो निपट जाए। तो ऐसे मामले छाट के हमको तैयार करना है कि इसके रास्ते का विवाद है और इसको हम इस तरह से निपटा सकते हैं, उनको आप तैयार कर लो, पक्षकारों को बुला लो, पक्षकार सहमति देते हैं उनकी सहमति लिखित में ले लो, और फिर उसके बाद जब भी ऊपर से आदेश आएंगे हम उस मामले को। सर इसमें एक मेरा अनुरोध ये था, कब्जे के प्रकरण चल रहे हैं तो वो तो सर क्या होगा कि उनको भी लिया जा सकता है शायद, जो सहमत हो वो। हाँ सहमत हो जाए तो आप उसको, सहमति से तो हमेशा विवाद का समाधान होता है। ठीक, एक बात मैंने पूर्व सर, ये तो आपके रेवेन्यू वाले मामले में, आप रेवेन्यू वाले मामले में मिलकर डिस्कशन कर सकते, बताओ किसकी मैं परेशानी। पटवारी आए सभी है सर, केवल पटवारी बताओ, पटवारी जी बताओ सर।